सिकरीगंज थाना क्षेत्र में ताड़ी पीने से हुई विवाद को लेकर हुई ओम प्रकाश यादव की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी बलिराम यादव को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि हत्या आरोपी बलिराम यादव को शक था कि ओम प्रकाश का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर 13 मई को उसने ओम प्रकाश को ताड़ी पीने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हसिया और सामग्री बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया। बटवा दो बेटा। नहीं बेटा। हो गया? हो गया। करेगा बेटा। देख हम तो यार तिवारी, ये 13 तारीख को एक हत्या हुई थी ताड़ी पीने की बात को लेकर के आपस में, जिसमें राधे श्याम की हत्या हुई थी और बलिराम ने की थी। और ये घटना ढेबरा बुजुर्ग की है। आज हमारी पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये भागने की फिराक में है, और हमारी पुलिस सक्रिय भी, हमारे सीओ मैडम को भी जानकारी दी, इंस्पेक्टर को भी, और इसकी गिरफ्तारी आज बनकटी में की गई। और इसकी निशादेही पर जिस हसिया से इसने इसकी हत्या की थी वो भी बरामद किया गया और इसे प्रस्तुत किया गया। कारण अन्य भी थे निश्चित रूप से, ये शंका और शक की बीमारी से ग्रस्त है और इसके तहत भी ये अंदर ही अंदर उससे रंजिश रखता था। कुछ अन्य भी कारण थे पारिवारिक विवाद को लेकर के, इन सारी चीज़ों से लेकर के ये एग्रेसिव बना रहता था। और जब उसने उसकी इसी गांव का रहने वाला भी था।